प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इडियम एंड फ्रेजेस। जो जर्नल यूज में इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके डेली यूज में आते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज पार्ट नंबर 11। ये 11वां पार्ट है। इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है, उनको नहीं अपने डायरी में मेंटेन किया हुआ है, तो प्लीज डू राइट दोज पार्ट्स ऑल्सो। 1 से लेकर 10 पार्ट जरूर लिखें आप लोग, जरूर सीखें, क्योंकि ये इडियम एंड फ्रेजेज है। आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको और बेहतरीन बनाने में आपकी सहायता करें। सो टुडे वी आर डूइंग पार्ट नंबर 11। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट बना हुआ है, और यदि आप टेंस सीखना चाहते हैं तो भी वहां पे आपको टेंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जस्ट गूगल में जाइए या यूट्यूब में जाइए, वहां पे लिखिए टेंस प्रेम ज्ञान, और आपको पूरा टेंस का जो डिटेल लिस्ट है, मतलब प्रेजेंट टेंस से लेकर पूरा टेंस के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं, हर एक चीज बारीकी से समझाया गया है। आप देखें और समझें, क्योंकि बिना टेंस के इंग्लिश का जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाता है। आफ्टर दैट डेली यूज सेंटेंसेस की 50 वीडियोज हैं, तो आप उनको भी देखें, और हर एक वीडियो में कम से कम 10 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं। यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो कैसे लिखना है, क्लास में कैसे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं, मार्केट में कैसे बोलना है, ग्रोसरी शॉप पे कैसे बोलना है, स्टेशनरी शॉप पे कैसे बोलना है, टीचर्स के साथ कैसे बोलना है, यू विल गेट ईच एंड एवरी सेंटेंस विच वी यूज इन आर डेली लाइफ। द नेक्स्ट इज संडे मोटिवेशन, ये भी आप देख सकते हैं। आपको जीवन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, मुश्किलात हैं, उसका सामना कैसे करना है, इसमें बताया गया है। तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियोस ऑल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला है स्पीक ऑफ द डेविल। देखिए, ये एक डेविल है, राक्षस है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में। स्पीक ऑफ द डेविल का क्या मतलब होता है? स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट द मोमेंट। जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक आपको दिखाई दे जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी से स्पीक ऑफ द डेविल। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, कोई अचानक से आता है तो कहते हैं, भाई आपकी तो बात हो रही थी और आप आ गए। तो उस प्रकार के शब्दों में हम क्या कहेंगे, स्पीक ऑफ द डेविल। द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट द मोमेंट। हाय राम, स्पीक ऑफ द डेविल। आई वाज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार, कि भाई हम बस आपके बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं तुम्हारे कार के बारे में बता रहा था, एंड यू केम हियर, और आप आ गए। नेक्स्ट इज टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। देखो, इस बच्चे ने एक आर्म भी उठाया हुआ है और एक लेग उठाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, बताइए जरा। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज हो गई। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो। फ्यूल दीज डेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आजकल जो फ्यूल है, आजकल जो ये प्राइजेज है डीजल एंड पेट्रोल के, दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। टू फील अंडर वेदर। टू फील अंडर द वेदर, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये टू फील अंडर द वेदर में क्या है, इनको बुखार हो रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, टू नॉट फील वेल, मतलब अच्छा महसूस नहीं करना। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, सो आई विल नॉट गो टू स्कूल, कि आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है ना। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंसेज आपको बोलना है, देन यू से आई एम नॉट फीलिंग वेल मीन्स आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। नेक्स्ट इनको देखो, एक ही पत्थर से दो बर्ड्स का निशाना बना रहे हैं। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इट मीन्स कि एक पंथ दो काज, अगर हिंदी में बोले, टू डू टू थिंग्स एट वंस। दिस ईयर आई विल कंप्लीट माई 12th एंड प्रिपेयर फॉर IIT। आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन।
एंड द नेक्स्ट इज टू कट कॉर्नर्स। क्या है ये? टू कट कॉर्नर्स, इसका क्या मतलब होता है? ये देखो, ये कॉर्नर्स को काट रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए कैसे इसका मतलब होता है, आप यदि गेस कर पाए तो जरूर बताइए। टू कट कॉर्नर मीन्स होता है कि कोई काम है उसको मतलब चीप तरीके से परफॉर्म करना या बैड तरीके से परफॉर्म करना। किस लिए? कि भाई पैसा बचाना। जैसे कि आप देखे होंगे कई बार कई चीजें हम बस फॉर्मेलिटी के तौर पे करवा लेते हैं, तो उस प्रकार के चीजों को हम क्या कहते हैं? टू कट कॉर्नर्स मतलब फॉर्मेलिटी पूरी करना। दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम, द शार इज लीकिंग। कि भाई हम मान लो हमने कोई घर बनवाया, अब उस घर में दरवाजे खिड़कियां और जरूरत की जो चीजें हैं वो भी नहीं है, उसका हमने कोष बचा लिया, तो इस प्रकार के चीजों को हम क्या कहेंगे? टू कट कॉर्नर्स, टू डू समथिंग बैडली और चीपली जस्ट टू सेव टाइम और मनी। मतलब किसी भी चीज को जल्दीबाजी में जल्द कर देना जस्ट इसलिए कि हमारा कुछ पैसा बच जाए और समय बच जाए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या कहेंगे? टू कट कॉर्नर्स। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए 7-8 सेंटेंसेस इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, ये आप याद कर लीजिए सो डेट कि ये आपके काम आएंगे। एंड कीप ऑन यूजिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। टिल देन टेक केयर और खुश रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस मौके पे ही लर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इडियम एंड फ्रेजेस याद करना, ये एक दूसरे से रिलेट होती हैं, बस हमें एक बार अपनी नजरों से उतारना है सो डेट कि हमें चीजें याद हो जाए। और इसका डायरी में जरूर मेंटेन कर लीजिए सो डेट कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो यू कैन जस्ट टेक अ हेल्प। और मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और ऐसे ही सीखते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।